अब लिम्फ के बारे में देखते हैं, हमने ये कवर कर लिया। अब लिम्फ के बारे में देखते हैं, स्पेसिफिकली लिम्फ के बारे में देखते हैं, लिम्फ के साथ रिलेट करते हुए देखते हैं। अब लिम्फ एक लाइट येलो या कलरलेस लिक्विड है या फ्लूइड है, ओके। अब इसको आप कलरलेस भी बोल सकते हो और लाइट येलो, एकदम लाइटेस्ट येलो भी बोल सकते हो, ओके। सो ये लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड है, ओके, और इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये एक लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड है और इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। अब इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, जैसे कि हमने बेसिक से पहले भाग में देखा था कि इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। अब इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, देखिए, सिंस लिम्फ रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो लिम्फ है ये हमेशा आउटसाइड द सेल रहता है, इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी का सेल है, फॉर एग्जाम्पल जो बॉडी का सेल है उसके आउटसाइड में रहता है, ओके। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ओके। सो वाई इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बिकॉज लिम्फ रिमेन्स आउटसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इतना बात क्लियर हो गया, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। देखिए लिम्फ क्या है, लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड, ओके, आप दोनों भी बोल सकते हो, दैट इज स्पेसिफिकली कलरलेस बोलोगे तो इट इज मोर वैल्यूएबल, ओके। सो देखिए इट इज लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड, ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, ये लाइट येलो या कलरलेस फ्लूइड भी बोल सकते हैं इसको, और इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ये जो सेल बॉडी है, बॉडी का जो सेल है उसके आउटसाइड में रहता है, इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, सो एज इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ओके। इतना बात समझ में आया, इतना क्लियर हो गया दो पॉइंट। अब देखिए इसके आगे दो पॉइंट्स, लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इन बॉडी, ओके। एक लिम्फ जो है ये एक अनदर मीडियम है फॉर द सर्कुलेशन मीडियम इन द बॉडी, एक मीडियम है ये सर्कुलेशन का इन द बॉडी, एक दूसरा मीडियम है, जैसे कि हमने एक मीडियम पहले देख रखा है, राइट। सो ये एक अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी, ओके, लिम्फ इज द अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन बॉडी, ओके। बड़ा सिंपल एंड बेसिक पॉइंट है। उसके अगला वाला, इट कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड एंड ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स फ्रॉम सेल एंड फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स। अब देख इनमें तीन चीजें हैं, पहली बात तो इट कंटेन्स थ्री थिंग्स, दैट इज लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड। अभी डाइजेस्टेड फूड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहां से आओगे ये आपको पता है, क्लियर है, राइट, हमने डिस्कस किया था। सो ये जो लिम्फ है ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड कंटेन करता है, और दूसरी चीज कंटेन करता है दैट इज जर्म्स फ्रॉम द सेल, जो सेल की तरफ से जर्म्स आते हैं वो भी लिम्फ के अंदर होते हैं, और जो फ्रेगमेंट होते हैं डेड सेल्स के वो भी लिम्फ में ही होते हैं, राइट राइट। सो देखिए जो लिम्फ है कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड, ये पहली बात। दूसरी बात, कंटेन जर्म्स फ्रॉम सेल, जो सेल्स के द्वारा जर्म्स आते हैं वो कंटेन करता है, और जो फ्रेगमेंट होते हैं डेड सेल्स के वो होते हैं लिम्फ के अंदर, ओके। ये दो पॉइंट समझ में आए, वापस दो पॉइंट हमने डिस्कस किए, दैट इज ये मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी, ओके, इट इज द अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी एंड इट कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड। सेकेंड थिंग, इट कंटेन्स जर्म्स फ्रॉम दिस सेल, एंड थर्ड फ्रेगमेंट ऑफ द डेड सेल, ओके, ये तीन चीजें कंटेन करता है। अभी लास्ट दो पॉइंट हमारे लिम्फ के बारे में, उसके बाद लिम्फ के बारे में हमारा कवर हो जाएगा, ओके, उसके बाद रिकॉलेशन होगा इसका, ओके। सो लिम्फ फ्लोज इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट। देखिए जैसे कि हमने लिम्फेटिक सिस्टम का जो ये था डेफिनेशन, ओके, उसमें भी देखा था कि एक ऐसा टाइनी ट्यूब्स का सिस्टम है जिसमें लिम्फ ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेट होता है फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द व्हाट वी कैन से हार्ट या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वहां से हमको एक और पॉइंट मिलता है, दैट इज जो लिम्फ है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, सर्कुलेट होता है, दैट इज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट, ओके ओके। उसके बाद लिम्फ ऑल्सो कंटेन्स स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ओके, दैट इज WBC, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, ओके। अब लिम्फोसाइट्स यहां पर क्या काम कर रही है, यहां पर दो काम कर रही थी, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस। अब यहां पर एक ही काम कर रही है, दैट इज फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीजेस, ओके। ये डिफरेंस समझ में आपको, जो लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स है वो दो काम कर रही है, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज,
और जो यहाँ पर लिम्फ है उसके अंदर भी लिम्फोसाइट्स है। ओके, यहाँ पर लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स थे, वहां पर दो काम हो रहे थे, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस। यहाँ पर से भी एक काम हो रहा है, जो लिम्फोसाइट्स है इन द लिम्फ दे प्रोटेक्ट और दे हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। ओके, ये बात समझ में। इस तरीके से लिम्फ का स्पेसिफिक रिलेशन था टू द डायग्राम। ये लिम्फ के बारे में हमने देखा, रिलेट करते हुए स्पेसिफिकली लिम्फ के बारे में देखा। अभी लिम्फ के बारे में स्पेसिफिकली हम रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद पूरा टॉपिक रिकॉल करेंगे। बल्कि लिम्फ के बारे में स्पेसिफिकली रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, लिम्फ एक लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड है। ओके, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी का सेल होता है इसके आउटसाइड में रहता है, इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, अब ये जो लिम्फ है, इट इज एन अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी। ओके, इट इज एन अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी। अब ये जो लिम्फ है, ये तीन चीजें कंटेन करता है, एक तो प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड डाइजेस्टेड फूड, दूसरी बात कंटेन्स जर्म्स एंड जर्म्स फ्रॉम द सेल्स। ओके, एंड तीसरी चीज फ्रेगमेंट्स ऑफ द डेड सेल्स। ओके, फ्रेगमेंट्स ऑफ द डेड सेल्स। अब देखिए अगला पॉइंट, जो लिम्फ है वो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है या ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू हार्ट, मतलब बॉडी टिश्यू से हार्ट तक। अब देखिए, ये दो ये पॉइंट हो गए हमारे, इतने पॉइंट हो गए, फाइव पॉइंट हो गए। अब लास्ट पॉइंट हमारा, लिम्फ ऑल्सो कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, दैट इज लिम्फोसाइट्स। अब ये यहाँ पर क्या काम करती है, हेल्प्स इन फाइटिंग द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी जो ध्यान दीजिए, दैट इज लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स में भी थे, यहाँ पर दो काम कर रहे थे, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज। ओके, बट यहाँ पर भी लिम्फोसाइट्स लिम्फ में, ओके, यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ओके, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ आपको, लिम्फ नोड्स में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो काम कर रहे हैं, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज। बट यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो लिम्फ में प्रेजेंट है, वो सिर्फ फाइटिंग द इन्फेक्शन एंड डिजीज, दे आर ओनली फाइटिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ओके, सो ये था पूरा हमारे लिम्फ के बारे में।